लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। क्षत्रिय समाज के आराध्य देवता भगवान राजराजेश्वरी सहस्त्रबाहु अर्जुनी पर आपत्तिजनक शब्दों की टिप्पणी करके संपूर्ण समाज की भावनाओं को अपमानित करके कथावाचक श्री धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम ने सागर मध्य प्रदेश में दिनांक 22/4/2023 को परशुराम जयंती के अवसर पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। इस मामले को लेकर नागपुर कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन अब तक धीरेन्द्र शास्त्री पर कार्यवाही नहीं की गई। अब ऐसे में अखिल सर्व वर्गीय कलार समाज, क्षत्रिय समाज, सोमवंशीय, सहस्त्रार्जुन क्षत्रिय समाज की ओर से नागपुर संविधान चौक में धरना प्रदर्शन किया गया और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम पर कठोर कार्यवाही की मांग की गई। यदि कार्यवाही नहीं की गई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तीव्र करने की चेतावनी आंदोलनकारियों ने दी है। ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि ये जो अपने हमारे जो क्षत्रिय समाज के आराध्य देवते राजा राजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन, इनके बारे में जो ये अपने बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री, इन्होंने 22 तारीख को एक सागर में एक वीडियो बनाया था और वीडियो बना के उन्होंने बोला था कि ये जो भगवान सहस्त्रबाहु है ये बलात्कारी है, ये हत्यारा है, अत्याचारी है, यानी जो जो नहीं बोलने की भाषा उन्होंने बोले और वो बोलने के बाद वो उन्होंने वीडियो वायरल किया और वायरल करने के बाद उन्होंने उसका माफ़ी मांगने के लिए हमारे सभी क्षत्रिय समाज के लोगों ने उसको मांग की, पर 22 तारीख से लेके उन्होंने आज तक माफ़ी मांगी नहीं और उन्होंने मगरूरी करते गए। अभी साईं बाबा के बारे में बोला, कुछ संत के बारे में बोला, ऐसा उनको किए, इसके लिए तुकाराम महाराज के बारे में बोला। इसलिए हम सभी क्षत्रिय समाज के लोग, कलार समाज है, क्षत्रिय समाज है, काथर समाज है, ताम्रा समाज के लोगों ने, हमने इसके खिलाफ 1/5 को हमने कोतवाली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। ये रिपोर्ट अभी मेरे पास है और उनको हमने बोले थे 8 दिन के अंदर इनको FIR दर्ज करके इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई इसलिए होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया है कि कोई भी ऐसा आदमी अगर समाज में माहौल खराब करता है तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की गरज नहीं, वही और किसकी रिपोर्ट की गरज नहीं, उन्होंने उस पर कार्रवाई करना चाहिए। हाँ नहीं हुआ और उसको अटक नहीं हुई, इसलिए आज हमने यहाँ पे धरना कार्यक्रम किया। आप देख रहे हैं सब, ये महिला सब लोग हैं, सब जेंट्स लोग हैं, सभी क्षत्रिय समाज के लोग हैं, हम भगवान सहस्त्रबाहु जी मानने वाले लोग हैं और आज हम सरकार का आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री और MP के गृह मंत्री और MP के मुख्यमंत्री का हम आह्वान कर रहे हैं कि आज भी इनको, ये धीरेन्द्र शास्त्री को इसको रोक लगा है। ये हिंदू हिंदू की बात करता है तो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, तो हम हिंदू नहीं क्या? आज 15 से 20 करोड़ लोग हम देश में हिंदू है, हमारा हिंदू को विरोध नहीं है, पर हमारे हिंदू, हमारे जो जो हमारे देवता है उसका विरोध करेंगे तो हम उसको तो बक्सर ही जाएंगे। और हमने आज जो धरना आंदोलन जो किया है उसके आपके माध्यम से बताना चाहते हैं सरकार को, अभी उसको और पुलिस कमिश्नर नागपुर को और मुख्यमंत्री अपने जो है देवेंद्र फडणवीस जी को, उस पर FIR दर्ज कर उसको अटक किया जाए। अगर उसको अटक नहीं करेंगे तो हम हाईकोर्ट में, हमारे एडवोकेट सूर्यकांत जायसवाल है, श्वेता जायसवाल है, एडवोकेट लांजीवार साहब है और जो भी हमारे इसमें जो लोग हैं, जो क्षत्रिय समाज के जो वकील है, जो इंटरेस्टेड है, हम सबको मिलकर एक हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट खुलने के बाद हम हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे, FIR दर्ज करेंगे और उसको अटक करने लगाएंगे। महिला विकास स्वरोजगार बहुउद्देशीय संस्था नागपुर मेगा ट्रेड फेयर, जहां है 340 फीट बड़ा गेट, वो भी सेल्फी पॉइंट के साथ, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन और अम्यूजमेंट पार्क, फर्नीचर, डेकोरेटिव आइटम, ड्रेसेस, इमिटेशन ज्वेलरी, फूड स्टॉल और सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ ही खुशियाँ। तो देर मत कीजिए, पहुँच जाइए अपने बच्चे और परिवार के साथ नागपुर के रेशिमबाग मैदान में लगे मेले में, जहाँ कीजिए ढेर सारी शॉपिंग और उठाइए इस मेले का आनंद।